जो कर्नाटक में उन्होंने कहा कोई ऐसा अपमानजनक बात नहीं कही थी, कहा कि कब्र से निकाल करके रेप करो, वैसे आदमी पर क्यों नहीं मुकदमा हो सकता, क्यों नहीं इस पर न्यायालय कुछ किया। न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं, जो प्रक्रिया है वो तेजस्वी जी अपनावेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, में हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधान मंडल का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में आपको बता दें कि आज बिहार विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत से ही पहले महागठबंधन के तमाम विधायकों ने आज केंद्र सरकार के खिलाफ पैदल मार्च किया है। वहीं उन तमाम महागठबंधन के विधायकों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन किया है। ऐसे में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा गेट के बाहर से ही महागठबंधन के तमाम जितने भी विधायक थे वो पैदल मार्च कर रहे थे। इस पैदल मार्च में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी शामिल थे। जीतन राम मांझी से जब मीडिया कर्मियों ने सवाल किया तो उनका क्या कुछ कहना है इस मुद्दे पर, पहले आप वो सुने। देखिए, विरोधी दल का काम है कि सत्ता पक्ष के लोगों के बारे में कुछ कहा जाए, कहते रहना चाहिए। जो कर्नाटक में उन्होंने कहा कोई ऐसा अपमानजनक बात नहीं कही थी, जब उपाधि की बात आई तो उपाधि तो बहुत होता है, लेकिन मीनिंग वाइज उनका कुछ था कि वैसे लोग प्रायः गलत होते हैं, राष्ट्रभक्त नहीं होते हैं। इस पर मुकदमा चला है और ऐसे ऐसा होते लगेगा, तो जो कहा कि कब्र से निकाल करके रेप करो, वैसे आदमी पर क्यों नहीं मुकदमा हो सकता, क्यों नहीं इस पर न्यायालय कुछ किया। तो न्यायालय का सम्मान करते हुए हम लोग कहना चाहते हैं कि उनको विचार करना चाहिए। मांझी जी, तेजस्वी जी की क्वेश्चनिंग होनी है कल दिल्ली में, क्या उसका भी साथ में देखते हैं? न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं, जो प्रक्रिया है वो तेजस्वी जी अपनावेंगे। तो आपने साफ तौर पर सुना, जीतन राम मांझी ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी का समर्थन किया है और उन्होंने भी महागठबंधन के विधायकों के साथ बिहार विधानसभा गेट के बाहर से ही पैदल मार्च किया है। एक बार आप फिर से तस्वीर में देख सकते हैं कि महागठबंधन के तमाम विधायकों ने मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। वहीं जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को लेकर भी बयान दिया है। आपको बता दें कि कल तेजस्वी यादव, जो कि सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको CBI के दफ्तर में पूछताछ लिए जाना है। ऐसे में जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को लेकर भी बयान दिया है और साफ तौर पे कहा है कि जो CBI ने तेजस्वी यादव को बुलाया है उसका हम सम्मान करते हैं और तेजस्वी यादव भी इसका सम्मान करते हैं और वो जरूर कल CBI के सामने पेश होंगे। तो ऐसे में एक बार फिर से आप तस्वीर में देख सकते हैं कि महागठबंधन के तमाम विधायकों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है और तमाम महागठबंधन के विधायकों का कहना था कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में जीतन राम मांझी ने भी पैदल मार्च किया, तो ऐसे में विपक्ष के नेताओं की तरफ से क्या कुछ बयान निकल कर आता है। बहरहाल, बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।